डियर फ्रेंड्स, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका रीजन ये है कि मटेरियल्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, दे अल्टीमेटली दे डिपेंड अपॉन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं जिनसे वो सॉलिड बना हुआ है, उसमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, मींस क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये चीज उस सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको अफेक्ट करेगी। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम उसमें पढ़ते हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बेस्ड अपॉन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। वन टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अदर टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किया जाता है 3D स्पेस में। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बेसिकली, जिसमें वो सभी पार्टिकल्स एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं। सो दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जिन सॉलिड्स में एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता उन सॉलिड्स को हम बोल देते हैं अमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब हम स्टार्ट करते हैं, सॉलिड की मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी, उसके बाद बेसिक्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आज हम स्टडी करेंगे। उसमें ये दो पैरामीटर्स जो हैं, दो डेफिनेशंस जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज यूनिट सेल एंड द अदर वन इज स्पेस लैटिस। तो फ्रेंड्स, यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू मेक द कंप्लीट स्पेस लैटिस। तो भी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, अभी मैंने आपको बुकिश लैंग्वेज जो थी वो बताई, तो ये दोनों चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है। यूनिट सेल एक छोटा यूनिट होता है, सिंगल यूनिट, जिसको कि हम रिपीट करते हैं, रखते जाते हैं और अल्टीमेटली रिपीट करके हमें एक फुल फ्लेज्ड स्पेस लैटिस जो है वो मिलता है। तो एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो जैसे एक वॉल है ब्रिक्स की, तो जो ब्रिक है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे वो वॉल बनी है। तो जो ब्रिक है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, वी कैन टेक इट एज ए यूनिट सेल। और जो पूरी वॉल है, अल्टीमेटली जो ब्रिक्स को रिपीट अगेन एंड अगेन करके हमने जो एक स्ट्रक्चर बना दिया, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पेस लैटिस। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने 3D डायग्राम भी बनाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स, वो मैंने अरेंज कर दिए। वो 8 यूनिट सेल को अरेंज करके एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहां पे हमें मिला, जिसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस। तो ये पूरा स्पेस लैटिस है और आप देख सकते हैं ये स्पेस लैटिस जो है ये डिफरेंट यूनिट सेल्स को अरेंज करके थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमने बनाया है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो इसमें मेनली मैं तीन तरह के यूनिट सेल्स जो हैं वो यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर वन इज द सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है यूनिट सेल की, वो एक क्यूब है। सिंपल क्यूब मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स दे आर 90 डिग्री, सिंपल क्यूबिक। और इसके हरेक कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज किए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक टर्म है जो मैं बार बार यूज करूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एक एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप देखिए, इसमें कॉर्नर पे, हरेक कॉर्नर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो उसके 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर पे एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, वो वहां पे जाके बैठा हुआ। तो ये हमारी होगी सिंपल क्यूबिक। उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की। तो अभी मैंने इसको सिंपल क्यूबिक ही दिखाया क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी, इसमें क्या होगा, हमारे पास जैसे ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था वैसे स्ट्रक्चर है, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम है, बट इन एडिशन टू दैट उसके अलावा एक एटम या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है। तो भी आप इमेजिन कीजिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये बिल्कुल इस क्यूब की बॉडी के सेंटर में है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो रूम है, रूम हमारा एक यूनिट सेल है और बिल्कुल इस रूम के सेंटर में हवा में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो हमने रख दिया, हवा में लटक रहा है। सो दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आ गई हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, अगेन यू हैव द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक क्यूब है जिसके हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम पड़ा है और उसके अलावा इसके जो छह फेस हैं, तो जैसे एक डाइस होता है हमारा, डाइस के छह फेसेस होते हैं, तो हर एक फेस के सेंटर में, तो अभी मैं बॉटम से स्टार्ट करता हूं, बॉटम वाले के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, और ये पीछे वाला फेस है इसके सेंटर में, ये साइड वाला फेस है इसके सेंटर में, आगे वाला फेस इसके सेंटर में और ऊपर वाला फेस इसके सेंटर में। तो ये जो मैंने छह पॉइंट्स अभी लगाए हैं, ये छह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो कि उसके फेस के सेंटर में है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक रूम है जिसकी कॉर्नर पे एक एक एटम पड़ा है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, और जो वॉल है, जो वॉल्स हैं या हमारा फ्लोर है और रूफ है, ये छह फेसेस है। तो मान लीजिए ये एक वॉल है, तो इस वॉल के बिल्कुल सेंटर में एक एटम जो है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो पड़ा हुआ है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरी वॉल के सेंटर में है, तीसरी वॉल के सेंटर में है, देन फोर्थ वॉल, देन इन द सेंटर ऑफ द रूफ एंड सेंटर ऑफ द फ्लोर। तो ये अरेंजमेंट होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में आपसे ये बात की थी कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के भी हम पढ़ेंगे इनको, जब हम कूलिंग कर्व ऑफ आयरन पढ़ेंगे या हीटिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अल्फा फेराइट है या गामा ऑस्टेनाइट है या डेल्टा फेराइट है, वो डिफरेंट फेसेस हैं, फेजेस हैं आयरन के, और उनमें ये जो स्ट्रक्चर है बीसीसी एफसीसी वो कंटिन्यूसली वो चेंज होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, और उस स्ट्रक्चर की वजह से वो जो आयरन होगा उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो अभी मैं वो चीज डिटेल में नहीं यहां पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब वो वाला हम टॉपिक कवर करेंगे तो वहां पे हम वो चीज डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो बिल्कुल बेसिक पार्ट है वो आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें हमने डेफिनेशंस की हैं और तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक यूनिट सेल्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया, तो नेक्स्ट टॉपिक में क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, तो आगे पढ़ेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में और क्या क्या है। तो आशा करता हूं आज का जो टॉपिक है बेसिक टॉपिक वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।